साथियों, हम जरूरत छोटी छोटी जरूरतों पर भी ध्यान देते हैं, हम छोटी छोटी आवश्यकताओं पर ध्यान देते हैं और उसको लेकर हम चलते हैं। चाहे हमारे गरीब का घर का चूल्हा जलता रहे, गरीब की माँ को कभी आंसू पी करके सोना न पड़े, और इसके लिए मुफ्त इलाज की योजना हमारी चल रही है। बिजली, पानी, गैस अब सैचुरेशन के मूड पर है, और जब हम सैचुरेशन की बात करते हैं वो 100% होता है। जब सैचुरेशन होता है तो उसको जातिवाद का रंग नहीं लगता है, जब सैचुरेशन होता है तो उसमें पांथिकता का रंग नहीं लगता है, जब सैचुरेशन का मंत्र होता है तब सच्चे अर्थ में सबका साथ सबका विकास का मंत्र साकार होता है। लोगों के जीवन में सरकार की दखल कम हो, उस दिशा में हमने हजारों कंप्लायंसेज के लिए सरकार सामान्य मानवी पर बोझ डालती थी, उन सारे कंप्लायंसेज को दूर किया। हमने देशवासियों के लिए 1500 से ज्यादा कानूनों को खत्म कर दिया, ताकि कानूनों की जंजाल के अंदर देशवासियों को फंसना न पड़े। हमने छोटी छोटी गलतियों के कारण ऐसे कानून बने थे उनको जेल में अंदर धकेल दिया जाए, हमने उन छोटे छोटे कारणों से जेल जाने के जो परंपराएं थी उन सारे कानूनों को नष्ट कर दिया, और उसको कानूनों को जेल भेजने के प्रावधान को व्यवस्था से बाहर कर दिया है। आज हमने जो आजादी की विरासत की विरासत के गर्व की बात हम जो करते हैं, सदियों से हमारे पास जो क्रिमिनल लॉ थे आज हमने उसको नए क्रिमिनल लॉ, जिसको हमने न्याय संहिता के रूप में, और जिसके मूल में दंड है पर नागरिक को न्याय, इस भाव को हमने प्रबल बनाया है। ईज ऑफ लिविंग बनाने के लिए देशव्यापी मिशन में काम करें, हर लेवल पर मैं सरकार के प्रतिनिधियों का आह्वान करता हूं, मैं जनप्रतिनिधि वो किसी भी दल के क्यों न हो, किसी भी राज्य के क्यों न हो, सबसे आग्रह करता हूं कि हमने एक मिशन मोड में ईज ऑफ लिविंग के लिए कदम उठाने चाहिए। मैं हमारे युवाओं को, प्रोफेशनल्स को, सबको मैं कहना चाहता हूं, आप अपने स्थान स्थान पर जहां पर आपको छोटी छोटी दिक्कतें होती है आप उसके सॉल्यूशन को लेकर के सरकार को चिट्ठी लिखते रहिए, सरकार को बताइए कि बिना कारण की कठिनाई आए उसको दूर करने से कोई नुकसान नहीं है। मैं पक्का मानता हूं आज सरकारें संवेदनशील है, हर सरकार स्थानीय स्वराज्य की संस्था होगी या राज्य सरकार होगी या केंद्र सरकार होगी उसको तवज्जो देगी। गवर्नेंस में रिफॉर्म्स, ये हमें विकसित भारत एट 2047 के सपने के लिए हमने उसको जोर लगा करके आगे बढ़ाना होगा, ताकि सामान्य मानवीय के जीवन में अवकाश ही अवकाश पैदा हो, रुकावटें खत्म ही खत्म होती चली जाए, नागरिकों का डिग्निटी ऑफ सिटीजन, नागरिकों के जीवन में सम्मान मिले। डिलीवरी के संबंध में कभी किसी को ये कहने की मोहब्बत ना आया कि ये तो मेरा हक था कि मुझे मिला नहीं, उसको खोजना ना पड़े, सरकार के गवर्नेंस में डिलीवरी सिस्टम को और मजबूती चाहिए। आप देखिए देश में जब हम रिफॉर्म की बात करते हैं, आज देश में करीब करीब 3 लाख संस्थाएं काम कर रही है, चाहे पंचायत हो, नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, यूटी हो, स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट हो, केंद्र, छोटी मोटी 3 लाख करीब करीब इकाइयां हैं। अगर ये हमारे 3 लाख इकाइयों को मैं आज आह्वान करता हूं कि अगर आप साल में अपने स्तर पर जिन चीजों की जरूरत है सामान्य मानवीय के लिए, 2 रिफॉर्म करें, ज्यादा नहीं कह रहा हूं मेरे साथियों, एक पंचायत हो, एक राज्य सरकार हो, कोई विभाग हो, सिर्फ 1 साल में 2 रिफॉर्म और उसको जमीन पर उतारे, आप देखिए हम देखते ही देखते 1 साल में करीब करीब 25-30 लाख रिफॉर्म कर सकते हैं। जब 25-30 लाख रिफॉर्म हो जाए तब सामान्य मानवीय का विश्वास कितना बढ़ जाएगा, उसकी शक्ति राष्ट्र को नई ऊंचाई पर ले जाने में कितनी काम आएगी। और इसलिए हम अपने स्तर पर होती है चलती से मुक्ति पाकर के बदलावों के लिए आगे आए, हिम्मत के साथ आगे आए, और सामान्य मानवीय की जरूरत तो छोटी छोटी जरूरत होती है, पंचायत लेवल पर भी वो मुसीबतें झेल रहा है, उन मुसीबतों से हम मुक्ति दिलाएं तो मुझे पक्का विश्वास है कि हम सपनों को पार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों,